का अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, चढ़ गए जो पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल। कलम आज उनकी जय बोल। धारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों के साथ, राष्ट्र कवि दिनकर जी की पंक्तियों के साथ, ये दिल मांगे मोर जुड़ रहा है। ये एक नई पीढ़ी को उस संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है हमारा यहाँ पर, क्योंकि 20 साल पहले जो घटा, और हरिओम पवार जी अभी अभी जब परिचय सबसे ले रहे थे उम्र का, तो ये समझिए एक पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी है इस दौर में, और वो कहानी कहना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम ये दिल मांगे मोर कह रहे हैं, क्योंकि कभी कैप्टन विक्रम बत्रा ने कोड नेम रखा था, कोड नेम ताकि दुश्मन को पता न चले कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। उनसे पहले जो कैप्टन जामवाल थे, उन्होंने जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने ओ या कहा, और कैप्टन विक्रम बत्रा से जब पूछा गया तो उन्होंने रेडियो किया ये दिल मांगे मोर, इसका मतलब अभी तैयार हूं और आगे बहुत के लिए। तो आज हम अगर अपने कवि सम्मेलन को ये दिल मांगे मोर कह रहे हैं, तो इसके पीछे वजह यही है। हरिओम पवार जी जो कि आवाज है इस राष्ट्र की बन जाते हैं जब करगिल की बात आती है। हरिओम जी, आपने बहुत बार हमारे मंच पर भी वो पढ़ा है, लेकिन आज से बेहतर मौका हो ही नहीं सकता है एक बार फिर वो सुनाने का। मैं आज तक चैनल का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने हमारे उन शहीदों की याद में ये महाउत्सव किया, और मैंने इसलिए आप लोगों से उम्र पहुंची थी कि अगर आप कोई 25 के भी हैं तो 5 साल के बच्चे को भी कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता। 20 साल हो गए उस युद्ध को, 20 साल पहले एक ऐसा युद्ध जो हमने शुरू नहीं किया था, हम पर थोपा गया था, और किस तरह हमारे जवानों ने पहाड़ों के नीचे खड़े होकर पहाड़ों के ऊपर से आने वाली गोलियां, आने वाले पत्थर, आने वाली हैंड ग्रेनेड किस तरह झेले होंगे, किस तरह से वो युद्ध लड़ा होगा। 16,000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला संसार का वो अकेला युद्ध है। जिस तरह से भारतीय सेना ने घुसपैठियों, क्या घुसपैठी तो नहीं थे वो तो पड़ोसी देश के सैनिक ही थे, और उस युद्ध में भारत ने जीत ही हासिल नहीं की, पूरे संसार को उदाहरण देने के लिए कुछ ऐसे मानवीय उदाहरण प्रस्तुत किए जिनको जब तक सृष्टि में युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा भारत की सराहना होगी। पाकिस्तान के 200 सैनिक, उन्होंने उनके शव लेने से मना कर दिया, ये स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे देश के हैं। वो 200 शव हमारी सीमा में थे, उनको मार दिया गया था, वो घुसपैठी थे, सेना थी, क्या थी हम नहीं जानते। भारत सरकार ने, भारत की सेना ने धार्मिक रीति रिवाज से नीचे से मौलवी ले जा करके पूरे धार्मिक क्रियाक्रम के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, उनको दफनाया गया। ये संसार में पहला उदाहरण है जब दुश्मन देश के सैनिक को हमने सम्मान दिया। हम अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं, हम अपनी फौज पर गर्व करते हैं। आदरणीय श्वेता जी, मैं आपके समक्ष आज एक वाक्य बोलना चाहता हूँ। मैंने बोलना शुरू किया तो मेरे कुछ मित्रों ने आपत्ति की कि ऐसा मत बोला करो। मैंने कहा मैं बोलना चाहता हूँ, बोलता रहूंगा, रुकूंगा भी नहीं। भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, होंगे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने नहीं देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो रक्षक देवता हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, मैं इनका अभिवादन करता हूं, और मैं एक और अनुरोध करूंगा आप सबसे। आपको नहीं पता, आपके आस में पड़ोस में कोई ऐसा परिवार होगा जिसका बेटा इस युद्ध में शहीद हो गया होगा, जिसका पति इस युद्ध में शहीद हो गया होगा, जिसका भाई इस युद्ध में शहीद हो गया होगा। अगर आपके आस पड़ोस, आपके गांव में कहीं ऐसा कोई परिवार है, तो महीने में एक बार, आप पूरे साल कहीं भी घूमो फिरो, एक बार उनके परिवार में जाके केवल उनको सैल्यूट करना, बताना कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे बेटे की शहादत के कारण, तुम्हारे भाई की शहादत के कारण हम आज़ाद हैं, सुरक्षित हैं, हम जीवित हैं, हमारा देश जीवित है। उनको लगेगा कि हमारे घर की हुई शहादत हमको सम्मान दे रही है। केवल सम्मान दीजिए, सैल्यूट कराइए, उनको फूल दे आइए, उन परिवारों को लगेगा। मैं इन दिनों ऐसा महसूस करता हूँ कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। एक श्वेता जी, मैं और आज तक चैनल के माध्यम से मैं आज्ञा चाहता हूं कि मेरा एक एक विचार देश की जनता तक पहुंचे, आज तक के करोड़ों दर्शकों तक ये बात पहुंचे। हम चाहते हैं कि हमारा कोई सैनिक तिरंगे में लिपट कर ना आए, कोई सैनिक कभी भी शहीद ना हो, लेकिन ये सच नहीं है। होगा, युद्ध भी हो सकते हैं, घुसपैठ भी हो सकते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे बेटे फिर शहीद होंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि भारत सरकार शहीदों को दी जाने वाली सहायता को
प्रांतों के अलग अलग हिसाब से भेदभाव ना करें। देश के समस्त शहीद किसी राज्य के हों, उनको एक जैसी सहायता राशि मिलना चाहिए। पिछले दिनों में आश्चर्य में डूबा, उत्तर प्रदेश ने 10 लाख दिया, बिहार ने 5 लाख दिया, उड़ीसा ने 7 लाख दिया। हालांकि किसी प्रांत की कोई आश्चर्य, देश के होने वाले शहीद को, शहादत को भेदभाव में मत आंकिए। शहादत शहादत है, जिस भी बेटे ने अपने प्राण देश के लिए दे दिए हैं, कम से कम उसको सहायता देते समय उसके साथ पक्षपात मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए। ऐसा मेरा अनुरोध भारत सरकार से आज तक के चैनल के माध्यम से श्वेता जी के संचालन में है। हमारे बीच कविता तिवारी आ गई हैं, देश की युवा पीढ़ी के एक बहुत श्रेष्ठ शिल्पकार राहुल अवस्थी जी, परिचय आदरणीय श्वेता जी कराएंगे। हमारा अजात शत्रु उदयपुर से हर विधा का एक श्रेष्ठ कवि है। मैं सोचता हूँ मैंने जिस कविता की ओर इशारा है आदरणीय श्वेता जी का, मैं आज के दिन वो कविता नहीं पढ़ूंगा तो मुझे भी लगेगा मैं भी अधूरा सा चला गया हूँ, मैं भी कुछ पूरा पढ़ के नहीं गया। मैंने 40 साल आग गाई है, लेकिन आज करगिल के विजय दिवस पर मैं आंसू गाता हूँ आपके सामने। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार एक बेटा शहीद हुआ था 13 जून को, उस युद्ध में, करगिल के युद्ध में। उसका पार्थिव शरीर मेरठ आया था, मैं पीछे, बहुत भारी भीड़ थी, बहुत पीछे से मैंने खड़े होके भीगी आंखों से एक कविता लिखी। मैं आगे जाना चाहता था लेकिन इतनी भीड़ थी मैं आगे जा नहीं पाया। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, मैं पहले उसका वाचन करता हूँ। और मैंने कहा ना कि मैंने आग गाते गाते मुझे 40 साल बीते, लेकिन इस इश्यू पर मैं केवल आंसू गाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या देंगे उनके लिए। मैं 13 जुलाई को हैदराबाद में एक कार्यक्रम में था जो करगिल के शहीदों के लिए हुआ था। उसमें 16 ऐसे योद्धा शामिल थे जिन्होंने वो युद्ध लड़ाए। देश कितना प्यार करता है अपनी सेना को, कितना प्यार करना चाहता है। एक पूना के अधिकारी थे, मैं बांटना चाहता हूँ ये मुझे, क्योंकि जिस दिन से मैंने सुना मैं खुद थ्रिल हूँ, जब याद आता है मुझे तो मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। तो उन अफसर ने बताया कि जब हम करगिल युद्ध जीत कर वापस आए छुट्टियों में अपने घर, तो एक दिन शाम को मेरे घर पर 3-4 बहुत गरीब आदमी आए। मैंने पूछा, कहिए क्या काम है। बोले, साहब हम पूना के भिखारी संघ की तरफ से आए हैं। पूना में जितने भिखारी भीख मांगते हैं, हमारा एक संघ है, और जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, जिस दिन खत्म हुआ, उस दिन तक हम सब ने तय कर लिया था कि इन दिनों में जितनी भीख मिलेगी वो सब इकट्ठा करके भारत की सेना को दान करते, भारत की सेना को दे। 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया भारत के सेना के कोष के लिए पूना के भिखारियों ने दिया। जिस देश का जज्बा इतना हो, उसी देश के सैनिकों को यह हक प्राप्त है कि वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं, किसी भी ताकत के आगे खड़े हो सकते हैं। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, 4 लाइन सुनिए, थोड़ी सख्त लिख दी है मैंने, बहुत सख्त है, उसके बाद कविता सुनाऊंगा। बहुत ही सख्त मैंने 4 लाइन लिखी है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। और श्वेता जी माफ करना, बहुत सख्त पंक्ति लिखी है मैंने, राजनीति पर इससे सख्त मैंने शायद कुछ भी नहीं लिखा। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का उन्हें तिरंगे को लहराने का। सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को। ये वो पीढ़ी है जो कॉन्वेंट से पढ़ के आई होगी, MBA कर रहे हैं कि IT कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको हिंदी विषय रहा भी नहीं होगा शायद, लेकिन हिंदी के संस्कारों से दूर मत जाइए। अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति से रिश्ता बनाए रखिएगा, कहीं भी जाइए लेकिन जो अपने मूल संस्कारों से जुड़िए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी। कविता सुनाता हूँ आपको, मैंने करगिल के शहीदों पर एक छोटी सी कविता लिखी है। और एक निवेदन और है मेरा, आज तक चैनल देश का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल मुझे मिला है, तो मैं अपने दिल की बातें जनता तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपको किसी को भी कभी भी किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर कोई सैनिक वर्दी में जाता दिखे
उसका खड़े होकर सम्मान कीजिए, खड़े होकर तालियां बजाइए, उसको लगे कि हिंदुस्तान का हर आदमी हमारे पीछे खड़ा हुआ है, हमारी बैक पर खड़ा हुआ है, हम लड़ने जा रहे हैं कि सीमा पर जा रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ। कविता सुनाता हूं, दरअसल कविता की जो पंक्तियां हैं वो सब उसको पढ़ पढ़ कर कितनों ने करगिल युद्ध को याद किया है, अपने सैनिकों को याद किया है, आपकी भावनाओं के साथ आपका गला भी जुड़ जाता है। लेकिन हरिओम जी, गला भी भावनाओं के साथ भी है, और कल मैंने गलती से ऐसे आम खाए जो बहुत खट्टे थे। अच्छा, मैंने खट्टे खा क्यों लिए, मुझे डायबिटीज है, शुगर है, तो मुझे किसी ने कहा खट्टा आम नुकसान नहीं करता, तब मुझे पता चला कि लोग झूठ भी बोलते हैं। और मैं आजाद बता देगा, वरना मैं बता भी दूंगा कि मेरे कवि मित्र ने खिलाए थे मुझे। एक कविता सुनिए, ये उत्सव समझ के सुनिए, शहीदों की याद में सुनिए, मैं आग नहीं आज आंसू गाता हूँ। मैं केशव का पांच जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का पांच ठीक हो जाएगा, और ठीक नहीं होगा तो आपकी तालियां ठीक कर देंगे। मेरा गला जब जब भी खराब हुआ, ठीक केवल माइक पर हुआ, माइक के अलावा कहीं ठीक नहीं हुआ, इसलिए ठीक तो यही होगा। श्वेता जी से माफी चाहता हूँ, इस रूप में उन्होंने मेरा गला कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज वचन था, आना था, तो खराब गले में भी आया। मैं केशव का पांच जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीस बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं दे सकता, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, अब ठीक हो जाएगा, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की, और दो पंक्तियां इस एहसास को आप जी लो तो मेरे साथ आकाश भर तालियां उठाना, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथ उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, पूरे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, पूरे संसार में कहीं भी रिवाज नहीं है। भारत में करगिल में एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह नाम है उसका, राजस्थान में भरतपुर जिले के पास एक गाँव है अजान, उस गाँव का रहने वाला, जब सेना उसका पार्थिव शरीर लेके आई गांव में, तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, गायत्री देवी जी ने अपने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी, उसके बाद कई घटनाएं घटी, लेकिन ये घटना पहली थी। मैंने दो पंक्तियां लिखी हैं, देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है,
जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सी झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़े होंगे, -32, -34, -38 टेम्परेचर, और चोटी के ऊपर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ने की व्यवस्था। जुलाई में 13 जुलाई को बताया एक अफसर ने कि हमको 10 लोग चाहिए थे, और हमने कहा कि 10 लोग हमको चाहिए जो पहाड़ी के पीछे से जाएंगे, पीछे से उनको मारेंगे जाके ऊपर, सामने से नहीं जा सकते, सामने से वो पत्थर भी फेंक देंगे तो हमारा सैनिक घायल हो जाएगा। तो जब हमने कहा हमको 10 लोग चाहिए, तो 150 की वो टुकड़ी थी, 150 के 150 खड़े हो गए कि हम जाएंगे। बहुत टाइम लगा इसमें कि हम 10 लोग कैसे चुने, हर कोई जाना चाहता था। ये जज्बा केवल सैनिक में होता है। और मैं एक बात और शेयर करता हूँ, मेरा छोटा भाई अशोक चारण, उसने एक बहुत अच्छी बात कही, दुनिया में अमीर से अमीर कोई भी आदमी किसी को नौकरी देते समय बुला करके ये कहे कि मैं तुमको जितनी चाहोगे सैलरी दूंगा, तनख्वाह दूंगा, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा, क्या कोई ऐसी नौकरी करेगा अगर मालिक ये कह दे कि तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा? कोई नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। लेकिन जो सेना में जाता है वो जानता है कि उसको देश के लिए मरना पड़ेगा, फिर भी वो उस देश में नौकरी करना चाहता है। केवल सैनिक है जो निस्वार्थ है, जो निस्वार्थ है, जिसका धर्म देश है, जिसकी जाति देश है, जिसका मजहब देश है, जिसका उद्देश्य देश है, जिसकी सफलता देश है, देश के सिवा वो कुछ सोचता है नहीं है। इसलिए हर भारत में एक नियम बनना चाहिए, मैं कारगिल विजय दिवस पर एक अनुरोध करता हूं कि भारत में हर युवा को 1 साल तक सेना में जाकर के अनुशासन सीखना चाहिए, ताकि इस देश में जो समस्याएं हैं, मॉब लिंचिंग और ये तमाम तरह की समस्याएं सब समाप्त हो जाएंगी, अगर नई पीढ़ी एक बार अनुशासन सेना का सीख ले, सेना का अनुशासन सीखने की अनिवार्यता हो जाए, तो देश की वो सारी समस्याएं जो पेट भरे की अंगाई हैं वो समाप्त हो जाएंगी, ये झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं इस कविता का, सुनिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्वेता जी का, और आज तक का दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार कि इस उत्सव पर मुझे देश की जनता से संबोधित होने का अवसर मिला। उत्सव ही है, ये उत्सव ही है, क्योंकि जो बलिदानी थे उन्हें याद रखना जरूरी है। आपकी कविता, चूंकि आपने जहां से उसकी शुरुआत होती है, मैं चाहूंगी कि हम एक हिस्सा दिखाएं जी, जी, एक कहानी का। हमारे लिए कहानी है, किसी का जीवन है, अगर हम वो तस्वीर दिखा सकें। कैप्टन बत्रा की एक प्रेम कहानी थी, एक ऐसी लड़की जिनसे वो लौटने के फौरन बाद शादी करना चाहते थे। दोनों ने निर्णय किया था कि वो विवाह करेंगे कारगिल के युद्ध के बाद, और विक्रम जहां भी होते थे, किसी भी ऑपरेशन में या किसी और पोस्टिंग में, चाहे सोपोर रहे हो या किसी कोर्स पर रहे हो, तो उनका ये नियम था, मोबाइल फोन से पहले की है ये बात, कि 7 बजे बुधवार शाम उनकी ये मित्र टेलीफोन के पास होती थी अपने घर पे, और ये फोन करते थे। द्रास में युद्ध के दौरान फोन कहां से मिलेगा, तो मैंने खुद ही कहा कि आप मेरे सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कीजिए, और उनका चेहरा जैसे खिल गया। बेहद निजी होने के कारण हम आपको उस लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते, हाँ इतना जरूर बताएंगे कि उन दोनों की मोहब्बत गहरी थी, इतनी गहरी कि अपने विक्रम के इंतजार में उन्होंने आज भी शादी नहीं की। बहुत पहले ही उन्होंने हमें ये बता दिया था, इस बात से अवगत करा दिया था
कि अगर मेरी शादी आपने करने का जैसे सोचते हैं कि हम लड़कियां देखेंगे और तेरी शादी करेंगे, तो मेरे लिए कोई लड़की ना देखना, मेरी एक क्लास फेलो है, मैं उसी को पसंद करता हूं और आपसे मैं उसकी इंट्रोडक्शन करवा दूंगा और आपने मेरे से उसी से शादी करना। उसने ये एकदम से प्रण ही ले लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी और आज तक वो स्टिल शी इज अनमैरिड। अनुज युद्ध भूमि में जितने निडर थे, दिल के मामले में उतने ही संवेदनशील। मैदाने जंग के खून पसीने के बीच वो अपनी सबसे प्रिय चीज नहीं ले जाना चाहते थे, अपनी सगाई की अंगूठी। उन्होंने वो निकाल कर अपने कमांडिंग अफसर कर्नल बावा को थमा दी। तो मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग है, पहन के जाओ और तुम्हारे को और जोश देगी एंगेजमेंट रिंग अच्छा करने के लिए। वो कहते हैं नहीं सर, मैं ये नहीं चाहता ये मेरी एंगेजमेंट रिंग किसी दुश्मन के हाथ में लग जाए। उस वक्त मेरे को शायद लगा कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है कि शायद वापस आएगा या नहीं आएगा, मेरे को थोड़ा सा शक सा हुआ। हाँ, वो सब कुछ उतार गया था, घड़ी भी उतार गया था, अंगूठी भी उतार के गया था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। तो दो ऐसे युवा अफसरों की कहानी आपने सुनी, एक जहां पर प्रेम की पराकाष्ठा ही हम कहेंगे, जहां पर एक लड़की, अगर विक्रम बत्रा 22-23 साल के थे तो उनकी गर्लफ्रेंड भी उतनी ही उम्र की थी, आज तक शादी उन्होंने नहीं की है, हमने उनकी निजता का सम्मान करते हुए उनकी तस्वीरें नहीं दिखाई हैं, लेकिन उन महिला के लिए आप सम्मान देखिए जहां पर रिश्ते एक दिन के लिए नहीं ठहर पाते हैं। और दूसरे अनुज नैयर, जो नहीं चाहते थे कि सगाई की अंगूठी किसी दुश्मन के हाथ, किसी पाकिस्तानी के हाथ में पड़े, इसीलिए वो उसे छोड़ गए कि पीछे से लौटा देना। हालांकि उनकी कहानी अभी स्पष्ट नहीं है, शायद उस लड़की ने भी आज तक शादी नहीं की है। लेकिन यहां पर कविताओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अजात शत्रु से कहूंगी कि कृपया आए। कारगिल विजय दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बात श्वेता जी ने प्रारंभ की, जिसको विस्तार दिया अग्निधर्मा कवि पंवार जी ने, मैं वहां से छोटी छोटी बातें निकालता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए, गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला बैठे, गंगा के बेटे सिंधु का पानी याद दिला बैठे, करगिल में अपने तेवर तूफानी याद दिला बैठे, दहशत है लाहौर कराची पेशावर की गलियों में। और अब जरा आपका मन मिले, दहशत है लाहौर कराची पेशावर की गलियों में, हम भारत के बबर शेर हैं नानी याद दिला बैठे, हम भारत के बबर शेर हैं। और किसी सैनिक ने, हिंदुस्तानी सैनिक ने तंज करते हुए मजाक में एक बात कह दी थी, आनंद के साथ उसको भी सुनिए। सुनिए, पाकिस्तानी सैनिक हमको जैसे डब्बा लगते हैं, बिगड़ी है रन रेट सभी की सड़ा मुरब्बा लगते हैं, बिगड़ी है रन रेट सभी की सड़ा मुरब्बा लगते हैं, जब हारो तो ट्रेनिंग लेने हिंदुस्तान में आ जाना। फिर से आपका मन मिले, जब हारो तो ट्रेनिंग लेने हिंदुस्तान में आ जाना, रिश्ते में तो वैसे भी हम आपके अब्बा लगते हैं, रिश्ते में तो वैसे। ये हिंदुस्तान इसलिए बड़ा नहीं होता, माफ करना, कि हमने कारगिल के मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर दिया तो ये देश बड़ा हो गया। हम इसलिए बड़े नहीं होते कि किसी क्रिकेट के मैच में हमने पाकिस्तान को पराजित कर दिया तो हम बड़े हो गए। याद रखिए, हिंदुस्तान वो देश है जिसने बड़े मनुष्य, बड़े हृदय के लोग पैदा किए। याद कीजिए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, उनसे कुर्सी नहीं छूटती थी, उनसे वर्दी नहीं उतरती थी, लेकिन उन्हीं दिनों एक हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, बिखरी जुल्फों वाले APJ अब्दुल कलाम। वो जब राष्ट्रपति भवन का त्याग करते हैं तो दो सूटकेस और चंद किताबें लेकर निकल जाते हैं अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि हमने बड़े मनुष्य पैदा किए, तब पढ़ते हैं। और मैं ये बात श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं ये बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से कहना चाहता हूं पूरे विश्व को, कि हारोगे आगे भी अक्सर अल्लाह खुश हो जाएगा,
अनिति हारोगे आगे भी अक्सर अल्लाह खुश हो जाएगा, अपना सन्नी गदर फिल्म का हैंड पंप ले आएगा, अपना सन्नी गदर फिल्म का ट्रक लेकर घुस जाएगा, सेना को आदेश मिला तो नक्शा कुछ ऐसा होगा। और फिर से देश के बहुत बड़े चैनल पे हूँ, आपका मन मांगता हूँ। सेना को आदेश मिला तो नक्शा कुछ ऐसा होगा, बच्चा बच्चा पाकिस्तानी वंदे मातरम गाएगा, बच्चा बच्चा पाकिस्तानी वंदे एक इस हिंदुस्तान के सैनिक ने क्रिकेट की भाषा में कुछ मजाक की। क्या कहा उसने, तुम पिच पर गाली देते थे लेकिन हमने प्यार दिया, तुम पिच पर गाली देते थे लेकिन हमने प्यार दिया सम्मान दिया देते आए हर बार दिया, लेकिन तुमने उसके बदले में क्या दिया तो हमने क्या करके बताया, प्यार दिया सम्मान दिया देते आए हर बार दिया। याद करो जब वर्ल्ड कप में तेंदुलकर के बल्ले ने रावलपिंडी एक्सप्रेस को पटरी से ही उतार दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस को पटरी से ही उतार दिया। और यदि पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो मैं एक पवार जी की उपस्थिति में एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुनिए। चांद सितारों से भी ऊपर केसरिया बाना होगा, होगा वो संकल्प सुनित जो हमने ठाना होगा, सुन लो अब फिर, सुन लो फिर आवाज आ रही है करगिल की माटी से, एक दिन तुमको साथ हमारे जनगण मन गाना होगा, एक दिन तुमको साथ। मेरा सौभाग्य है कि मैंने देश की सरहदों पे कविता पाठ किया है। और मुझे याद है एक बार में जब मैं कविता पाठ करने गया तो भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के सम्मान में कुछ बोर्ड लगवा रखे हैं। मैंने एक बोर्ड को पढ़ा, मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, बोर्ड पढ़ रहा हूँ। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के स्वागत के सैनिकों के स्वागत में कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पर लिखवा रखा था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये क्या लिख दिया, लेकिन जब नीचे पूरी बात देखी तो मुझे बात समझ में आ गई, शायद आपको अच्छा लगेगा। उस पर लिख रखा था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। दूसरे बोर्ड पे, शुक्रिया, दूसरे बोर्ड पे लिख रखा था, आपकी तालियां थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। दूसरे बोर्ड पे लिख रखा था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। और जब मैंने तीसरा बोर्ड पढ़ा तो मेरी आंखें भी नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, इस वतन को देने के लिए, इस देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। जैसा पवार जी ने कहा, उन्होंने वर्षों तक आग गई है, आज उन्होंने आंसू गाए हैं। हमने सैनिकों के सम्मान में, अभिनंदन में यह विजय उत्सव मनाया है, लेकिन हम शहीदों के लिए भी कुछ अपनी बात कहें, मैं आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। बलिदानों की अमर ज्योति में परवाने खो जाते हैं, खो जाते आंखों के तारे मस्ताने सो जाते हैं सरहद पे जब सिपाही शेर अगर, अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं, शौनित से भीगी वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं। भाषा आप तक पहुंचे, शौनित से भीगी वसुधा पर रक्त बीज बो जाते हैं, वो धरती के लाल गगन के ध्रुव तारे हो जाते हैं, चूड़ी बिंदिया राखी कंगन माँ की लोरी याद मगर, अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जाते हैं,
अगर देश की बात चले तो दीवाने हो जा, स्वयं देवता अगवानी में स्वर्ग द्वार तक आते हैं। जिनकी यश गाथाएं कवि कंठों की शोभा पाती है, और अगली पंक्ति पे आपका मन मिले, जिनकी यश गाथाएं कवि कंठों की शोभा पाती है, होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं, होते जो कुर्बान वतन पे वो जन्नत पा जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तक पर हम इस कवि सम्मेलन के जरिए अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, और मुझे लगता है कि अब मैं कविता जी को फौरन बुलाऊं यहां पर, क्योंकि एक नारी जो ममता का दूसरा नाम है, वहां पर जब शक्ति जुड़ती है तो रस बदल जाता है। कविता जी, अगर माइक पे सुनाइएगा तो उस पे भी सुना सकती हैं, बैठ के उस पे सुना सकते, जैसे मन जहां पर ठीक लगे आपको, क्योंकि लाइव चल रहा है। आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और पूरे देश को विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा देश आज विजय दिवस मना रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में एक उत्कंठा भी है, उत्कंठा है, और ये जानने की जिज्ञासा है कि पड़ोसी मुल्क आज क्या मना रहा होगा। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, बहुत कुछ सुनाने का मन है लेकिन बिल्कुल नया सुनाना चाहती हूं। मैं मंच पर मेरे आदरणीय ताऊ जी उपस्थित हैं, मैं उनकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहती हूं, तो मुझे वो आदेश दे दें, मैं बिल्कुल नई पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं। आइए हम आज इस उत्सव को मनाएं, और जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमसे दुश्मनी मानते हैं, वो भी हमारे देश को कितना जानते हैं और क्या जानते हैं हमारे देश के बारे में, यहां से बात प्रारंभ कर रही हूं, सुने। ये गुलगुलशन बताते हैं, यही वीरान कहते हैं, ये गुलगुलशन बताते हैं, यही वीरान कहते हैं, कहाँ किस मुल्क में क्या है लगा कर ध्यान कहते हैं, है जितने देश के दुश्मन उन्हें मालूम है इतना, धधकती आग के शोलों को हिंदुस्तान कहते, धधकती आग के शोलों को हिंदुस्तान कहते हैं। और एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूं, बहुत बहुत आभार, एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूं और उम्मीद करती हूँ पूरे देश तक मेरी आवाज़ जाएगी, और जो आंखें कहीं ना कहीं नम होंगी आज, शायद उनमें उस वो नमी शौर्य की जगह ले ले, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। बज उठी चतुर दिक रण भेरी, बज उठी चतुर दिक रण भेरी, सज उठे वीर परिधानों में, जग उठा जोश छित अंबर में, परिवर्तन है दिन मानों में, मस्तक पर भारत की माटी, माता का ले आशीर्वाद, छल दंभ कपट को धूल चटा, बढ़े बढ़ चले काल सम निर्विकार, मदमस्त दिशाओं में डोले, मदमस्त दिशाओं में डोले, अंगड़ाई ली बाजू खोले, माँ बाप बहन भाई सबसे, चलते चलते इतना बोले, हम मिलजुल करके रहना सीखें, क्या बोले होंगे, मिलजुल करके रहना सीखें, सुख दुख सब अंगीकार रहें, हम सैनिक हैं भारतवासी, सब एक साथ तैयार रहें, शब्दों की महज वसीयत है, प्रण से न कभी फिरने देना, बलिदान अगर मैं हो जाऊं, आंसू न एक गिरने देना, जो अजर अमर है अक्षुण है, मत भूल करुण क्रंदन करिए, जो अजर अमर है अक्षुण है, मत भूल करुण क्रंदन करिए, भारत माता की जय कहकर सैनिक का अभिनंदन करिए, सैनिक का अभिनंदन करिए, सैनिक का अभिनंदन करिए, सैनिक का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। क्या क्या परिस्थितियां होंगी, क्या दृश्य बना होगा जब वो विदा हुआ होगा घर से, सेना की ओर, सीमा की ओर, क्या क्या दृश्य बना होगा।
चल पड़ा वीर आशीष लेकर, मुस्कान अनूठी लगती थी, सच्चाई थी सम्रांगण की, बाकी सब झूठी लगती थी। शायद उसको परमेश्वर ने रक्षा व्रत का उपहार दिया, भूला न समाता था योद्धा, भारत माता ने प्यार दिया। कुछ गांव गली खेड़े वाले पुष्पों की वर्षा करते थे, कुछ अश्रुपूर्ण लोचन देखे जो अनहोनी से डरते थे। नैनाभिराम वह दृश्य रहा, परिदृश्य बदलने वाला था। नैनाभिराम वह दृश्य रहा, परिदृश्य बदलने वाला था। प्रस्थान किया जय हिंद बोल, पी चुका शौर्य की हाला था। हर पृष्ठ बना ऐसा स्वर्णिम, सब यही लालसा पाले हैं। अनुराग राष्ट्र की रक्षा का, उसमें ही कुल मत वाले हैं। जो रुके नहीं, जो झुके नहीं, जो रुके नहीं, जो झुके नहीं, उन भावों का वंदन करिए, उन भावों का वंदन करिए। भारत माता की जय कहकर सैनिक का अभिनंदन करिए, सैनिक का अभिनंदन करिए, सैनिक का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आज तक चैनल की। मैं कुछ छंद समर्पित करना चाहती हूँ, दो तीन छंद मैं सुनाना चाहती हूँ, सुनेगा। आप सबकी कृपा कटाक्ष का प्रभाव है कि काव्य की कला को आजमाने चली आई हूँ। मन की उड़ान को अनंत आसमान दूंगी, ये ना मानो सिर्फ गीत गाने चली आई हूँ। झुकने ना पाई श्रेष्ठ शौर्य की पताका कभी, साख देश प्रेम की बढ़ाने चली आई हूँ। चंपाओ गुलाब कचनार बेला जूही शब्द कैप्टन मनोज पे चढ़ाने चली आई हूँ। वो कैप्टन मनोज जिनके शहर से मैं आती हूँ और जिस रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय से मैंने शिक्षा ग्रहण की, प्रारंभिक शिक्षा वहां ग्रहण की उन्होंने, ये मेरा सौभाग्य है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कारगिल हिल हड्डियां गलाने वाली बर्फ, पग पग पर साथ साथ हौसला गया। शत्रु दल की चुनौतियों को झेल पाया नहीं, गीदड़ों को देख कर सिंह बौखला गया। कोई कहता है चाहता तो बच जाते प्राण, कोई कहता है वीर बांकुरा चला गया। वीरता की दुल्हन से ब्याह करके मनोज, राम जाने जाने किस लोक को चला गया, राम जाने जाने किस लोक को चला गया। और अंतिम छंद आप तक पहुंचाती हूं। सृष्टि रच ब्रह्मा को गुमान हो भले, परंतु बात हो सकता है किसी को कड़वी लगे लेकिन तर्क अच्छा लगे तो बताइएगा। सृष्टि रच ब्रह्मा को गुमान हो भले, परंतु एक जैसे सबके शरीर नहीं होते हैं। कुछ गुणवान धनवान कुछ बलवान, पैदा कुछ लेके तकदीर नहीं होते हैं। कुछ भ्रष्ट कपटी कुचाली कुछ अति क्रूर, शत्रु दल हेतु टेढ़ी खीर नहीं होते हैं। बच्चे तो हजारों जन्म लेते नित्य प्रति, किंतु कैप्टन मनोज जैसे वीर नहीं होते हैं, कैप्टन मनोज जैसे वीर नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कुछ सैनिक ऐसे थे जो लौट के नहीं आए, जो हमारी यादों में रहे। कुछ ऐसे भी सैनिक थे जिन्हें जीवित रहते हुए परमवीर चक्र दिया गया, महावीर चक्र दिया गया। उनकी कुछ बातें आपको सुनाते हैं। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करी लेकिन यह हाथ मेरा बंधा नहीं। फिर लगा कि यह हाथ कट गया, इसको फेंक देता हूँ। मैंने इसमें झटका मारा लेकिन यह हाथ टूटा नहीं। फिर इसको उठाया पीछे बेल्ट में फंसा करके, फिर सोचने लगा यार रात को रस्सी का सहारा। दोनों हाथ दोनों पैर ठीक थे, बड़ी मुश्किल से चढ़ करके आए। अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा? तो कोई ऐसी शक्ति थी उस टाइम जो साथ दे रही थी। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। बोला बेटा इस नाले से लुढ़क जा, ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी। मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब लुढ़कता लुढ़कता जब काफी नीचे पहुंचा था नाले के अंदर एकदम गड्ढा, मैं एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तो मेरा तब एकदम देखा गया तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। मैंने नीचे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो लगा जो अपने साथी थे वापस विड्रॉल होकर के एमएमजी पोस्ट की तरफ जा रहे थे। तो मैं उनको आवाज़ दिया, फिर वहाँ से सचिन साहब और बलवान साहब दोनों भाग करके आए। उन्होंने
बाजू को पकड़ा, ऊपर खींचा, वहाँ से पूरा ड्रेस चीतरे चीतरे हो रखा। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये जिंदा रहेगा। मैं बोला सर मेरा जो है छोड़ो, लेकिन अभी पोस्ट के ऊपर हमला होने वाला है। लोग नीचे थे, ऊपर हम फायर कर नहीं सकते थे, जैसे थे वैसे ही लेटे थे। उसने 15-20 मिनट देखा कि ये कोई भी जवाब नहीं दे रहा फायर का, ना ये हरकत कर रहे हैं, ना हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इसका मतलब मर गए हैं सभी के सभी। तो लास्ट में जब उसने देखा कि मर गए हैं, तो आराम से उठा हुआ और चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे वो चढ़ने लगा तो उसके पाँव से जब पत्थर निकला और हमें आवाज़ आई कि हरकत शुरू है, वो ऊपर चढ़ना शुरू कर गया। और मेरे को उसने कहा कि यार आराम से, अभी बोला ऊपर जा रहा है और इसका ध्यान कोई नहीं है, आराम से फायर कर। मैंने फिर आराम से गन सेट किया और जैसे मैंने उसको फायर किया, मेरी तरफ उसकी पीठ थी, मैंने उसके यहाँ पीठ पे फायर किया। तो जैसे वो गिरा, जो पोस्ट था वो ऊपर वाला, वो खाली हो गया। हमारी बटालियन को बोला आपको 48 घंटे का टाइम दिया जाता है कारगिल पहुँचने के लिए। कर्नल रविंद्र नाथ आकर के लिए बोलता है कि ए टू राजरी पे बहादुर और बब्बर शेर जवानों, आज हमारे को युद्ध भूमि में, हिंदुस्तान की धरती ने हमारे को कारगिल में पुकारा है। जब तक तोलोलिन की टाट पर तिरंगा नहीं फहरेगा, जब तक नाश्ता का मजा नहीं आएगा। बोल बजरंगबली राजा रामचंद्र की जय। ओ और हमारे वाले ने अटैक बोल दिया। मेरे जो 9 साथी थे उन्होंने 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वर्ण का चक्रवर्ती राज भी मुझे मिलता तो भी इतनी खुशी नहीं होती जितना वो तिरंगा झंडा गाड़ कर पहली जीत, हिंदुस्तान की पहली कामयाबी तोलोलिन टॉप पे। दो परमवीर चक्र विजेताओं की जी, दिगेंद्र सिंह ये महावीर चक्र विजेता जिन्होंने 49 पाकिस्तानियों को अकेले मारा था, अकेले मारा था। राहुल अवस्थी जी आपको निमंत्रण अब, क्योंकि ये बातें हम इसलिए सुनाना चाहते थे कि वो जोश समझे, आपको बंदूक लेकर जाना है, डर एक पल को नहीं, ये बातें गजब की। धन्यवाद श्वेता जी। विशेष बात ये कि आज इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, आज तक के इस आयोजन को सुनने के लिए और सैनिकों की शब्द पूजा के लिए आज की पीढ़ी बैठी हुई है। मैं इस आज की पीढ़ी का अभिनंदन करते हुए एक नमन निवेदित करता हूं उन लोगों को जिन्होंने उस दौर में उस युद्ध को देखा और मंच पर भी जिन लोगों ने शब्द पूजा की है, अपने शब्दों के माध्यम से सैनिकों को पूजा है। मुझसे 10 वर्ष कविता में वरिष्ठ, मंचों पर वरिष्ठ कविता तिवारी की उपस्थिति, 20 वर्ष वरिष्ठ अजात शत्रु जी और 40 वर्ष वरिष्ठ श्रद्धेय हरिओम पवार जी की उपस्थिति, और वो पीढ़ी जो मेरे सामने मेरी कक्षा में होती है, मैं एक महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ और आपकी ही उम्र के बच्चे मेरे सामने होते हैं। एक कक्षा की बात बताता हूँ, अभी आपने जो दृश्य देखा, ग्रेनेडियर उस वक्त थे योगेंद्र यादव जी, भगवान की कृपा से और भारत माता की कृपा से आज हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी कुछ कथाएं मेरे पास हैं। एक चित्र भेजता हूं आप सब तक, पीछे तक, इधर तक, जितने लोग बैठे हुए हैं, और वह कक्षा का चित्र, बच्चों आपका उत्तर, साथियों आपका उत्तर, आपके बीच से किसी एक बच्चे का उत्तर जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है, अंतिम पंक्ति में प्रेषित करता हूं और आपको लगे कि यही उत्तर आज की पीढ़ी का होना चाहिए और हमेशा हमेशा इस पीढ़ी का होना चाहिए जो देश को प्रेम करती है, तो एक बार आप सबके हाथों में जो ये तिरंगे हैं, इनके रंग, इनका आप उभरता हुआ मुझे दिखे, पंक्तियां पहुंचे आप तक, मुझे प्रेषित कीजिएगा अपना संदेश, सबको पढ़ा। कि पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं। पूछा गया कक्षा में कि किससे बड़ा है कौन, एक ने कहा कि कुछ धन से बड़ा नहीं, दूसरे ने कहा कुछ तन से बड़ा नहीं है, तीसरे ने कहा कुछ मन से बड़ा नहीं, चौथे ने कहा कि क्षण, पांचवें ने कहा प्राण, छठे ने कहा कि जन गण से बड़ा नहीं, सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं।
सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। सातवें ने कहा कोई कितना बड़ा हो किंतु आखिर में अपने वतन से बड़ा नहीं। मौत से बचा के जान भागते जो मरते हैं, जूझने की जिनने भी ठानी मरते नहीं। पानी बिन मरते हैं अनुदिन पानीहीन, पर जिन में है होता पानी मरते नहीं। मानी मर अभिमानी मर जाते हैं समय संग, सदा को कदापि स्वाभिमानी मरते नहीं। दे देते हैं देश को जवानी हंस कर जो कि ऐसे शूरवीर बलिदानी मरते नहीं। दे देते हैं जवानी हंस कर जो कि ऐसे शूरवीर बलिदानी मरते नहीं। कि भारत के वीर मौत को दुल्हन मानते हैं, जिससे वे ब्याह बलि वेदी पे रचाते हैं। भारत के वीर मौत को दुल्हन मानते हैं, जिससे वे ब्याह बलि वेदी पे रचाते हैं। काल से भी पंजा हैं लड़ाते युद्ध क्षेत्र मध्य, मरने से किंचित कभी न घबराते हैं। पीठ दिखलाने वालों पे न वार करते हैं, पीठ ना दिखाते वार वक्ष पर खाते हैं। मातृभू पे मर के भी मरते नहीं है वीर, इसीलिए अमर शहीद कहलाते हैं, इसीलिए अमर शहीद कहलाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।